आपके घर में सिलबट्टा तो जरूर होगा। जी हाँ, वही सिलबट्टा जो हमारे पुराने दादा दादी यूज करते थे। किसी भी प्रकार की कोई भी मसाला उनको भूखना होता था ना, तो उस सिलबट्टे का ही प्रयोग करते थे। और आज की जो वीडियो में आपको मैं ऐसी चटनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उसको बना लिए घर पर, लेकिन सिर्फ सिलबट्टे के ऊपर पीस कर, आप लोगों की हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स हैं, जो ब्लड शुगर है, वो कंट्रोल हो जाएगी। सर्दियों में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। आप दिल के दौरे से बच जाएंगे, आपके पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक कोई नस ब्लॉक है वो भी खुल जाएगी, और अच्छे तरीके से आपकी हड्डियों को मजबूती देती है ये चटनी। आप लोगों ने धनिए की चटनी का प्रयोग किया होगा, या आप लोगों ने धनिए की चटनी के बारे में सुना होगा, पुदीने की चटनी, टमाटर की चटनी, और भी आप लोगों ने कई तरह की चटनी के बारे में सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको जो जिस बीज की चटनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका सेवन मैं हफ्ते में एक बार जरूर करता हूँ। हफ्ते में एक बार, डेली में नहीं कर पाता हूँ, हफ्ते में एक बार। और इस चटनी का सेवन करने से मैंने आपको बता दिया कि फायदे आपको क्या क्या होंगे। इस चटनी को आप लोगों ने कैसे बनाना है उसको जरा ध्यान से आप लोग सुन लें। जो बंदे हेल्थ कॉन्शियस होंगे वो समझ चुके होंगे कि मैं अगर चटनी की बात कर रहा हूँ, और ना हो टमाटर की है ना धनिया की है, तो वो पक्का फ्लैक्स सीड्स की चटनी होगी, अलसी के बीज की चटनी। लेकिन आप लोगों ने कभी भी इस चटनी को घर पे नहीं बनाया, आई एम श्योर। अगर आपने बनाया होगा तो मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ सर, हमने बनाया था, हमने अलसी के बीज की चटनी बनाई थी। मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, सेहत से आप लोग प्यार करते हैं। आप लोगों ने 100 ग्राम अलसी के बीज लेने, लेकिन अलसी के बीज को पहले आप लोगों ने ना भून लेना है, तवे के ऊपर भून लेना है। आप लोगों ने 100 ग्राम अलसी के बीज लिए, तवे के ऊपर अच्छे तरीके से उनको भून दिया, ये आपने अलग एक कटोरी में बड़े बर्तन में रख दी। इसके बाद आप लोगों ने सफ़ेद तिल, अच्छा ये जो बाकी अभी चीज़ें बताने वाला हूँ ना, क्योंकि मैं भी अपने हिसाब से डालता, तो अगर आप लोग एक बंदे के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए पर्सनल, तो अपने हिसाब से क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो। परिवार में और किसी मेम्बर के लिए बना रहे हो तो क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो क्वान्टिटी सभी मैं बताने जा रहा हूँ, इनका आप लोगों कोई ऐसा आपको नाप तोड़ नहीं करना होता। मेन होता है 100 ग्राम अलसी के बीज। अच्छा, 100 ग्राम अलसी के बीज आप लोगों ने भून लिए, एक अलग बर्तन में आप लोगों ने रख लिए। उसके बाद सफ़ेद तिल आप लोगों ने लेने हैं, जीरा लेना है, सेंधा नमक, लाल मिर्च, इतना समझ आ गया। इन सभी आपने सामग्रियों को मिक्स करना है, और इनको सारी सामग्रियों को मिक्स किया, और नॉन स्टिक जो तवा होता है उसके ऊपर सबको भून लेना। तवे के ऊपर आप लोगों ने सारी इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स किया, भून लिया अच्छे से, और भूनने के बाद मिक्सी में डाल दिया। मिक्सी में फिर आप लोगों को अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल देना है। मैं कहता हूँ कि गिलास का एक चौथाई हिस्सा आप लोगों ने पानी का उसमें डाल देना मिक्सी में। फिर अच्छे तरीके से इसको ये ग्राइंड करना है मिक्सी में। और जब आपने देखा कि चटनी बन के तैयार हो गई, इस चटनी का आप लोगों ने, अगर मैं मेरे कहने से जितने क्वान्टिटी मैं लेता हूँ, मैं तो भाई आधी कटोरी ले जाता हूँ दिन भर में, सीधी सी बात है खाने में, क्योंकि इसका टेस्ट इतना लाजवाब लगता है ना कि मैं क्या बताऊं। तो आप लोगों ने सिर्फ इस चटनी का सेवन दिन में सुबह और रात को दोपहर में भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। क्यों अलसी के बीज का क्या नुकसान होगा? अच्छा, अलसी के बीज की चटनी मैंने क्यों बोली, लेकिन सिलबट्टे के ऊपर पीसना है आप लोगों ने, ये बात ध्यान से समझ लेना। अलसी, आप लोग सोचेंगे यह चटनी, देखिए अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके दिल की धमनियाँ होते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड आर्टिस्ट को मजबूत दे देते हैं। इसलिए अलसी के बीज, अब वैसे तो देखिए मैं भी इनका वैसे सेवन करना पसंद नहीं करता हूँ, चटनी बनाकर मैं उपयोग कर लेता हूँ। तो आज से आप लोग इस चटनी को बनाइए, और स्पेशली सर्दियों में मैंने इसलिए बोला, थोड़े से अलसी गर्म होती है, गर्मियों में खाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा गर्मी कर देता है, इसलिए सर्दियों में खाएंगे सबसे बेस्ट होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 3-4 महीने अगर आप लोगों ने सेवन कर लिया तो आप लोग का सफिशिएंट है, एक साल के लिए आप लोग फ्री हो गए, आपका दिल में अच्छे तरीके से मजबूती दे देगा, ब्लड आपका जो हार्ट है, दिल है, ब्लड को अच्छे तरीके से पंप करेगा, जो भी कोलेस्ट्रॉल, जो भी गंदगी खून के अंदर जा चुकी है, बढ़ चुकी है, वो निकल जाएगी आपके शरीर के बाहर, तो है ना कमाल का नुस्खा ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लोग लाइक करना भूल जाते, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।